क्लास बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। उम्मीद है इस सेशन में भी आप मन लगाकर पढ़ेंगे। और कोरोना के कारण हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आई हैं उसका हम सभी मिलकर सामना करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए जो भी सुविधा आपको दी जा रही है आप सभी उसका लाभ उठाएंगे। जितने भी वीडियोस जाएंगे आप उसको ध्यान से देखेंगे और जो भी पीडीएफ जाएंगे आप उसे अपने क्लासवर्क कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। हिंदी 1 और हिंदी 2 के लिए आप 2 कॉपी बना दीजिएगा। हिंदी 1 क्लासवर्क कॉपी में नोट बनाएंगे और हिंदी 2 क्लासवर्क कॉपी में नोट बनाएंगे। जितने भी पीडीएफ जाएंगे आप उसे क्लासवर्क कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। तो आज हम सेशन की नई शुरुआत करते हुए हिंदी 2 में एक नई कविता आपको पढ़ा रहे हैं। कविता का नाम है कामना। यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी हुई कविता है। कामना का अर्थ होता है इच्छा, चाहत या अभिलाषा। और ये कामना बच्चों के द्वारा ही की जा रही है जो भगवान से कुछ मांग रहे हैं या प्रार्थना के द्वारा ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान भर दो, ऐसी अच्छी बातें भर दो कि वे अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित कर सके। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। यहाँ बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस जीवन में जो महान पुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए अच्छे काम किए हैं, उनकी सुंदरता हमारे मन में भी भर दो, उनकी सत्य निष्ठा हमारे मन में भी भर दो। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, उनकी सत्य बातों का अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं उनकी राह पर चलना चाहता हूँ ताकि हमारे अंदर भी अच्छाइयाँ आ जाएं। दूसरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। फिर बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझमें इतनी शक्ति दो कि मैं हर समय उन महान पुरुषों का, उन अच्छे पुरुषों का अनुसरण कर सकूं और उनके सत्य वचनों का आचरण करते हुए मैं उनकी राह पर चलूं ताकि मैं भी इस देश का, इस विश्व का कल्याण कर सकूं, कुछ ऐसे काम कर सकूं जो मनुष्य की भलाई के लिए है। आगे पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मुझमें ऐसी शक्ति भर दो, ऐसे अच्छे काम करने की मन में चाहत भर दो कि मुझमें अपने आप शक्ति आ जाए। अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो मेरी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी और भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सत्य की राह जो होती है सबसे सही होती है। और जब मैं सत्य की राह पर चलूँगा तो मेरे अंदर जो भय है, जो संदेह है, जो रूढ़िवादिता है वह अपने आप हट जाएगी। मैं उस भय, संदेह और रूढ़िवादिता से दूर जाना चाहता हूँ और मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ। मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति।
अब यहाँ बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझ में ऐसी शक्ति भर दो, मुझ में ऐसा उजाला भर दो कि मैं उस उजाले से खुद तो प्रकाशित हो ही जाऊं, साथ ही साथ मैं दूसरों को भी प्रकाशित कर दूं और मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि लोग मेरा भी अनुसरण कर सकें। फिर आगे कवि कह रहे हैं, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। अगर मैं सत्य की राह पर चलूँगा तो मुझ में इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं हमेशा मानव की रक्षा के लिए तत्पर रहूँगा। मैं ऐसे कार्य करूँगा जिससे लोगों की भलाई हो सके। तो मुझे वह आशीर्वाद जरूर दो भगवान, जिससे मैं हमेशा सत्य की राह पर चलूँ, सत्य बोलूँ और हमेशा अच्छे कर्म करूँ, जिससे मैं मानव का कल्याण कर सकूँ, ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो मेरे आसपास का वातावरण भी काफ़ी अच्छा होगा, और जब आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो एक पूरा समाज ही विकसित होगा, और इस तरह समाज से एक देश और देश से एक विश्व जो है वह क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशित होता जाएगा। इसलिए बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए यही वरदान मांग रहे हैं कि मुझ में वह शक्ति दो, मुझे वह आशीर्वाद दो, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं और मैं मानव का कल्याण कर सकूं और पूरे विश्व को एक नई आशा से प्रोत्साहित कर सकूं और इस पूरे विश्व को एक नए उजाले से भर दूं। तो सुमित्रा नंदन पंत की यह बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उसका भाव उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसमें जो भी कठिन शब्द हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो भी आपको कठिन लगे आप उसे अपने क्लासवर्क कॉपी में 2-3 बार जरूर लिखिएगा और अपनी स्पेलिंग को सुधारने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी शब्दार्थ दिए हुए हैं इसे भी आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।